आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबर की ओर। कोल्ड स्टोर हादसे के जिम्मेदार संचालक और मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और विधिक कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया जाएगा। प्रशासन ने टीम गठित कर आरोपी रोहित अग्रवाल और अंकुर अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय भेजा जा रहा है, जिसमें कोल्ड स्टोर मालिक ने मानक को ताक में रखकर बिल्डिंग का निर्माण कराया था और ओवरलोड होने की वजह से बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हुई थी। और इस खबर पर हमारे संवाददाता मुबारक अली हमसे जुड़ेंगे। मुबारक, संबल के चंदौसी में आलू कोल्ड स्टोर गिरने से बड़ा हादसा हुआ था, वहीं इस पूरे मामले पर संचालक को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? आपको बता दूं, जनपद संबल से चंदौसी रोड का पूरा मामला है और जो मानक के हिसाब से वो बिल्डिंग नहीं बनाई गई थी और उसमें इसी के कारण लापरवाही से वो भर भरा कर गिर गया था और इसमें डीएम एसके उन्होंने उनके लिए न्यायालय भेज दिया गया। न्यायालय भेजने के बाद में सख्त कार्रवाई की जा रही है और जी धन्यवाद मुबारक तमाम जानकारियों के लिए। चंदौसी के बर्रई गांव में एआर कोल्ड स्टोरेज जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ। उसका एक भाग, उसकी छत गिर जाने के कारण उसमें जो कार्य कर रहे थे पल्लेदार और कोल्ड स्टोरेज के कुछ अन्य कर्मचारी, उनके दबने की घटना लगभग 12 बजे प्राप्त हुई दोपहर को। ये उससे 15 से 20 मिनट पहले की घटना थी। तत्काल वहां पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और अन्य सभी जो आवश्यक विभाग हैं, मेरे द्वारा, स्वयं कप्तान साहब के द्वारा पहुंचकर वहां पे प्राथमिक जो रिलीफ वर्क है उसको शुरू करवाया गया। इसमें हम लोगों ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ से संपर्क किया। एसडीआरएफ की 3 टीमें अलग अलग जगह से, जिसमें बरेली से, मुरादाबाद से और इटावा से, और इसके अलावा एनडीआरएफ की एक बड़ी टीम ने मौके पर पहुंचकर रिलीफ का कार्य शुरू करवाया। वहाँ पर पहले दिन हम लोगों को 11 लोग जो जीवित थे उनको मलबे से निकाला गया और उनको विभिन्न अस्पतालों में उपचार के लिए भेजा गया। इस पूरी घटना में 13 जो लोग हैं उनकी डेड बॉडीज वहाँ से निकाली गई, उनकी दुर्घटना में दुर्भाग्यपूर्वक मृत्यु हो गई थी। और जो 11 लोग उपचार जिनका चल रहा था उनमें से एक व्यक्ति की कल शाम को टीएमयू में इलाज के दौरान ही मृत्यु भी हो गई। कल की घटना के संबंध में जो विस्तृत जानकारी है वो आपको जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग की तरफ से की गई कार्रवाई के संबंध में आपको अवगत कराना है कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की जनपद में उपस्थित सभी इकाइयों को एक्टिवेट करते हुए उनको मौके पर पहुँचाया गया। साथ में 3 कंपनी PAC, SDRF और NDRF की टीम मौके पर पहुँची। सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी थी कि वहाँ पर कोई और इस तरह की आगे कोई उसमें स्खलन ना हो, उसमें किसी प्रकार से कोई जनहानि ना हो, उसको रोकने के लिए पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया। जो गांव के लोग और जो परिजन थे जो वहाँ पर पहुँचे हुए थे उनको समझा बुझा कर वहाँ से हटाया गया। उसके पश्चात रिलीफ वर्क प्रारंभ किया गया। पहले कोशिश की गई कि जो लोग जीवित हैं उनको निकालने का प्रयास किया गया, तत्पश्चात आगे की कार्रवाई की गई। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।